गाइस आज हम लोग दो मूवी लेवल जैसे सीन को रिक्रिएट करने वाले हैं सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से। क्या बात कर रहे हैं? यस, क्या कभी आप लोग ने सोचा है पिक्चरों में जो चांद के ऊपर का शॉट आप लोग देखते हो वो एक्चुअल में लिया कैसे जाता है? अभी जो शॉट आप लोग ने देखा आप लोग यकीन नहीं करोगे बट इसमें हमने कोई भी CGI का यूज नहीं किया है बल्कि एक थर्मोकॉल एंड एक फिश टैंक की मदद से पूरा का पूरा स्पेस का सेटअप रेडी किया है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें हमने फोन से शूट करी है। यस, ब्रांड न्यू ओप्पो फाइंड X8 प्रो जो कि वर्ल्ड के बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन में से एक है। तो इसीलिए ये स्पेस वीडियो के साथ साथ इसके मेन प्राइमरी कैमरे से हम लोग इंसेप्शन मूवी लेवल जैसा एक छोटा सा इल्यूजन क्रिएट करेंगे जिसके लिए भाई लिटरली हम लोग को एक पूरा का पूरा बेडरूम को 90 डिग्री पर रोटेट करके सेटअप करना पड़ा, वो भी आउटडोर लोकेशन पर। तो कैसे हमने सारी चीजों को शूट किया आओ सब कुछ शुरू से बताता हूँ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज हमने एक नकली चांद बनाने के लिए यहाँ पर ढेर सारे सामान ले लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा सा थर्मोकॉल लिया है मून का बेस बनाने के लिए, राउंड शेप देने के लिए कटोरे, ढेर सारे पेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये एस्ट्रोनॉट। तो पहले ये सब कुछ रेडी करते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस्ट्रोनॉट एक्चुअल में काम कैसे करेगा। यहाँ पर हमने हर एक चीजों को बहुत ही डिटेलिंग के साथ प्लान किया है। तो शुरुआत में हम लोग बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे इसी थर्मोकॉल की शीट पर बिल्कुल जैसे मून के सरफेस पे होते हैं। तो इसके लिए हमने घर का बाउल लेकर के प्रॉपर मार्क कर लिया एंड थोड़े बहुत औजारों की मदद से हमने यहाँ पर बारीकी से खुदाई करी। नाउ इसी गड्ढे को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग मून का सरफेस देखोगे तो वहां पर गड्ढे के जो बॉर्डर होते हैं ना वो थोड़ा उठे हुए होते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर व्हाइट सीमेंट लेकर के प्रॉपर साइड से बॉर्डर को ऊपर की तरफ किया। तीनों गड्ढे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा मून का जो सरफेस है उसको रफ करना है जैसे बम्पी टाइप के होते हैं। तो वही व्हाइट सीमेंट के कुछ कुछ थोड़े थोड़े टुकड़े बना करके हमने ऐसा ऊपर की तरफ गिरा दिया। नाउ इसके फाइनल पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम एक ग्रे कलर का पेंट करने वाले हैं पूरे के पूरे मून के सरफेस पर। अच्छा, अब 10 घंटे के लिए हमने इसको सूखने के लिए रख दिया था। अब सूखने के बाद कुछ कुछ एरिया अभी भी प्लेन दिख रहा था तो उसके लिए हम लोग ने थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसके ऊपर गिरा करके अगेन पेंट कर दिया। तो गाइस फाइनली हमारा मून का सरफेस रेडी हो चुका है। पूरे एक दिन लग गए इसको बनाने में, सारी मेहनत हमने वहां पर करी है। हालत देखो किस तरीके से हो रखी है। खैर, अगर हम लोग फाइनल आउटपुट पर आए तो ये मून के सरफेस के साथ साथ इसको और रियल बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक फेक अर्थ की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारे अर्थ से मून तो एकदम क्लियर दिखता ही है लेकिन अगर मून की वीडियोस देखी होगी आपने तो उसमें भी सिमिलर हमारा अर्थ मून के सरफेस से दिखता है। तो इसके लिए अब हम लोग बनाएंगे एक नकली अर्थ, वो भी एक हैदर बलून की मदद से। एंड इस अर्थ को हम लोग इतना डिटेलिंग के साथ नहीं बना सकते, बस एक रफली हमने यहाँ पर रेडी किया है। जैसे कि 71% अगर अर्थ पर वाटर है तो पहले हमने पूरा बलून को ब्लू पेंट में कर दिया। देन जो 29% लैंड है उसको हमने यहाँ पर ग्रीन पेंट में किया है। अब बचा क्लाउड यानी कि बादल, तो उसको हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे व्हाइट पैच में पेंट कर दिया। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका है हमारा नकली अर्थ और नकली मून भी। ये जो नकली अर्थ अभी हम लोग ने बनाया है इसको हवे में फ्लोट करने के लिए धागे में ऊपर की तरफ टांग देंगे। सारा सेटअप यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब फाइनली इसका मैजिक देखते हैं। सुनो, अब इसको हम लोग शूट करने वाले हैं जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था ओप्पो फाइंड एक्स 8 प्रो से, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा स्मार्टफोन है। एंड ये शॉट को हम लोग कैप्चर करेंगे इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से जो कि 50 मेगापिक्सल का 15mm सेंसर के साथ आता है। यहाँ से प्रॉपर फ्रेमिंग सेट कर लेते हैं, लाइटिंग को भी एक प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे एंड यस वीडियो को यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं।
लो लाइट कंडीशन में भी इस फोन का कैमरा काफी हद तक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब ग्रेन्स आप लोगों को वीडियो में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर हमें रेडी करना है एक फेक एस्ट्रोनॉट, तो इसके लिए हमने काफी रिसर्च करके एक तगड़ा जुगाड़ ढूंढ लिया है। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा फिश बाउल खरीद लिया था जिसके अंदर एक आदमी का फेस जा सके। नाउ लुक थोड़ा दूर से एस्ट्रोनॉट टाइप का ही है, इसलिए व्हाइट जैकेट एंड व्हाइट पैंट पहना दिया। ऑल सेट गाइस, अब ये वीडियो को भी ग्रीन स्क्रीन के पीछे रिकॉर्ड कर लेते हैं इसी वाइड एंगल लेंस से। ओके, तो गाइज रिजल्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जिस फोन से हमने इसको शूट किया है और इसके थोड़े बहुत स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, ये फोन डुअल पेरिस्कोप लेंस के साथ आता है, यानी कि आप लोग इस फोन से 6x तक बिना क्वालिटी को लॉस किए वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड भाई इससे भी खतरनाक है इसका जूमिंग कैमरा, मतलब जमीन पे खड़े खड़े हमने उड़ते हुए फ्लाइट की पिक कैप्चर करी, जिसकी डिटेलिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया इस फोन ने। आप लोग क्लियरली इस फ्लाइट का नाम भी पढ़ सकते हो। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये पिक को मैं 0.6x पे कैप्चर करता हूँ एंड दूसरी पिक को 120x जूम करके कैप्चर करते हैं। अच्छा, अब पोर्ट्रेट की बात करें तो नो डाउट ये पिक्स काफी अच्छी कैप्चर तो करता ही है, बट उससे भी मजेदार इसके अंदर कुछ एस्थेटिक फिल्टर्स हैं जिससे आप लोग की फोटो और भी नेक्स्ट लेवल बन जाती है। एंड ये सारी पिक्स जो आप लोग अभी देख रहे हो, इसमें मैंने कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं करी है, ये बिल्कुल रॉ फोटोज हैं। नाउ कैमरे से हटकर इसके मेन स्पेक्स पर आए तो हमें एक 5910 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है विद 80 वॉट सुपर वुक चार्जर के साथ में। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 देखने को मिलता है। डिस्प्ले आप लोगों को 6.7 इंच एमोलेड विद मैक्स 4500 निट्स ब्राइटनेस के साथ में देखने को मिलता है। एंड कुछ स्पेशल हाईलाइट पर आए तो इसमें यहाँ पर क्विक बटन दिया गया जिससे डबल टैप करके कैमरा ओपन कर सकते हो एंड कोई भी मूवमेंट को इंस्टेंट कैप्चर कर सकते हो। उसी के अलावा इसे जूम इन जूम आउट एंड ऐसे और भी काफी सारी चीजें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसके कस्टमाइज सेटिंग में जाके। नाउ थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें काफी सारे यूनिक AI फीचर्स हैं, जैसे AI अनब्लर जिससे गलती से ब्लर आई हुई फोटो को फिक्स कर सकते हो। दूसरा AI रिफ्लेक्शन रिमूवल, फोटो में अगर गलती से रिफ्लेक्शन आ जाए या फिर किसी भी कारण रिफ्लेक्शन आ जाए तो उसको भी आप लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। एंड इसमें ऐसी बहुत सारे AI लोडेड फीचर्स है जो कि इस वीडियो में पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं है। नाउ अब इस वीडियो के सेकंड सबसे क्रिएटिव पार्ट पर आते हैं, जहां पर हमने एक छोटा सा इंसेप्शन मूवी लेवल जैसे इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो बेसिकली अगर आप लोग ने वो मूवी देखी होगी तो उसमें कुछ कुछ सीन ऐसे हैं कि जब आप देख रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला, और जब वो हो जाता है तब आप लोग को समझ में नहीं आता कि वो हुआ कैसे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखो भाई, हमारा उतना मूवी लेवल जैसा बजट तो था नहीं, तो जितना पॉसिबल हो पाया उतना जुगाड़ का यूज करके हमने सारी चीजें शूट करी है। सबसे पहले सारे सामान को एक एक करके गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम था गद्दे को खड़ा करना, जिसके लिए हमें कोई मजबूत सपोर्ट चाहिए था। तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का लेडर का यूज किया हमने सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि देखो आउटडोर में हवा काफी ज्यादा चलती है तो वहाँ पर ना ऐसे गद्दे को बिना सपोर्ट के खड़ा करना तो पॉसिबल नहीं था। देन गद्दे को उसके ऊपर खड़ा करके बेडशीट लगानी थी। अब क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री पर खड़ा किया है तो नॉर्मल ऐसे बेडशीट तो टिकेगी नहीं, इसीलिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमने स्टेपलर का यूज किया है। पीछे से बेडशीट को अच्छे से टाइट करने के बाद पूरा स्टेपलर हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। नाउ पिलो को अटकाने के लिए हमने यहाँ पर स्टेपलर का यूज किया, बट वो हुआ नहीं। सो सेफर साइड के लिए हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन रखा हुआ था और लास्ट में पता है वही काम आया हमारे। सो भाई बेड हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, अब हमें एक साइड टेबल को 90 डिग्री पर खड़ा करना था। वो भी उस पर सारी चीजें रखी हुई हो, क्योंकि देखो पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ग्रेविटी राइट साइड में थी। तो तीन टूल लगा करके उसके ऊपर हम लोग ने टेबल को अटका दिया।
बट हाइट उतना ऊपर नहीं हुआ जितना हमें चाहिए थी। नाउ लास्ट में हमने थोड़ी बहुत ईट का यहाँ वैसे जुगाड़ करके टेबल की हाइट थोड़ा ऊपर बढ़ा दी। नाउ इसके ऊपर सामान लास्ट में रखेंगे, अभी फेक वॉल बनाते हैं। तो इसीलिए पहले एक 9 फीट स्टैंड को प्रॉपर सेटअप कर लिया हमने, देन उसी के ऊपर कारपेट को लटका करके चिपका दिया अगेन स्टेपलर से। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि टेबल के ऊपर हमें सामान रखना था, अब क्योंकि टेबल 90 डिग्री पर खड़ा है तो उस पर कोई भी सामान तो ऐसे चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने डबल टेप को लगाकर सारी चीजें एक एक करके चिपकाई। इवन लास्ट में हमने हमारा फोन भी चिपका दिया ताकि वीडियो जितना हो सके उतना रियल लगे। नाउ गाइस फाइनली हमारा सेटअप रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था। सो वीडियो को जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग ओप्पो फाइंड एक्स 8 प्रो के प्राइमरी कैमरे से ही शूट करेंगे जो कि 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 808 सेंसर के साथ आता है। शुरुआत का शॉट हम लोग लैंडस्केप में शूट करेंगे। देन ट्रांजिशन के लिए कपड़े बदलने के बाद जैसी ब्लैंकेट से बाहर आता हूं फोन को 90 डिग्री पर रोटेट करके पोर्ट्रेट में कर देते हैं। काफी सारा शॉट देना पड़ा हमने क्योंकि देखो शुरू से लेकर के आखिर तक सारी चीजें परफेक्ट नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी यहाँ पर मिस्टेक भी हुई, बट यस आखिर में एक सही शॉट हमें मिल ही जाता है जिसका रिजल्ट ये रहा आप लोग के सामने।